बताना चाहूँगा कि हमारे जो टोटल 158 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से 8 पार्टीज़ को हम आज डिस्पैच कर रहे हैं जो बसंतगढ़ के दूर दराज इलाकों में जाएंगी, जिनका जो लोधरा, कदवा, पनारा वगैरह की जगह हैं वहाँ पे हमारा ये खदशा था कि हो सकता है कल बारिश या कुछ हो तो वो पहुँच ना पाए, इसीलिए हमने पहले एक प्लान बना के उनको पहले भेज रहे हैं। ये पहले से तय था और वो बसंतगढ़ में रहेंगे और अगले दिन उनको डिस्पैच किया जाएगा ताकि वो आराम से स्मूथली वहाँ अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँच जाएँ। प्रॉपर सुविधा है, बसेज तो आपको पता ही है, वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर ख्याल रखा गया है, इनको बसेज में भेजा जाएगा। यहाँ पर अभी जो आप पंडाल देख रहे हैं यहाँ खाने का इंतज़ाम है और साथ ही साथ इनको रिफ्रेशमेंट के तौर पर हमें फ्रूट भी दे रहे हैं इनके साथ में और पैक लंच दे रहे हैं जो दिन को ये करेंगे, और रात के लिए वहाँ बसंतगढ़ में इनका इंतज़ाम किया गया है, डिनर किया गया है, और अगले दिन जितनी भी मीलें हैं वो सब रखी गई हैं, और साथ में हम इनको ऑनरेरियम भी दे रहे हैं जो अपने हिसाब से, ये अगर लंच करना चाहते हैं वहाँ तो ये अपने हिसाब से वहाँ BLOs जो हैं, BDOs हमारे हैं, वो एक टीम बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, वो उनकी देख रेख में प्रॉपर लंच और डिनर जो है वहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल सिक्योरिटी के लिहाज से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पुलिस के और CAPF के लोग रहते हैं और जो जो हमारे वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ दूर दराज के इलाके हैं तो उन पे हमारी 1.5 सेक्शन की पुलिस जाती है, 10 से 12 लोग जाते हैं, और जहाँ पे ठीक नॉर्मल है वहाँ 5-6 लोग जो है CRPF और ये हमारे पुलिस के जवान रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि गाइड के तौर पर हमने BLOs को बुलाया है, BLOs यहाँ से उनको गाइड करके वहाँ अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँचा देंगे।